चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें ग्राम पंचायतों की। अलवर के बैरोड अलवर रोड पर कल्याणपुरा गांव के पास बाइक ने मोर को टक्कर मार दी, जिससे मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं समय पर डॉक्टरों के नहीं मिलने से मोर की मौत। बाड़मेर के बाद उपखंड क्षेत्र के नौसर गांव में 15 साल बाद 21 दिसंबर को होद में आया पानी, फिर भी गांव वालों को नसीब नहीं हुआ है। जहां होद क्षतिग्रस्त होने से पानी होद में पानी नहीं रुका और पूरा होद खाली हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ कपासन में प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह की दरगाह शरीफ पर चंद्र दर्शन के मौके पर जायरीन का हुजूम उमड़ पड़ा। चित्तौड़गढ़ के अकोला में जवाहर नगर बालाजी में शुद्ध जल आरओ गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में राज्य मंत्री सुशील कटारा का बासिया चादोली मेबड़ा में भव्य स्वागत किया गया। चादोली में राज्य मंत्री कटारा को घोड़े पर बैठाकर गांव में जुलूस भी निकाला गया। अजमेर के ब्यावर में उदयपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टायर्स रिटेलर्स की दुकानों की छतों पर रखे 337 टायर अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पीड़ित दुकानदारों ने संबंध सिटी थाना पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के वैर में पंचायत समिति वैर परिसर में विकास पखवाड़ा मनाया गया। इसके अंतर्गत शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में सांसद बहादुर सिंह कोहली और प्रधान सीमा कपिल गुर्जर ने लोकार्पण किया, जिससे पंचायत समिति वैर की 6 ग्राम पंचायतों में अनाज संग्रहण, आंगनबाड़ी और किसान सेवा केंद्रों का कार्य पूर्ण होने का उनका शिलान्यास किया गया। बीरवाड़ा के गुलाबपुरा में कोहरे के आगोश में लिपटा उपखंड मुख्यालय और इसी के साथ गाँव में भी घना कोहरा छा रहा। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे में तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। साल के अंतिम दिन कोहरे ने सर्दी को बढ़ा दिया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में हाई टेंशन लाइन के 2 तार टूटकर मुख्य चौराहे पर गिर गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल रहा। बाड़मेर के समदड़ी में भारत डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत अब आधुनिक सर्वे यंत्रों के माध्यम से जमीनों की जानकारी उपलब्ध होगी। जहां डिजिटल माध्यम से हो रही इस तकनीक की शुरुआत के लिए जोधपुर संभाग में बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील के राजस्व गांव भलेरों का वाड़ा और चरणों का वाड़ा गांव को चुना गया है। इस तकनीक में आइकॉनिक पॉइंट सैटेलाइट सिस्टम स्थापित किया गया है, जो जिला स्तरीय सिस्टम से संपर्क में रहेगा। वह योजना के तहत आधुनिक सर्वे यंत्रों पर आधारित सर्वे बंदोबस्त सक्रिय संचालित कर मौके पर विशिष्टियों के वास्तविक चित्रण अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिजिटल GIS भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजस्व भूमि को डिजिटल करने के लिए 16-16 किलोमीटर पर आइकॉनिक पॉइंट लगेगा, जिसके माध्यम से जमीन का नक्शा जमाबंदी पर नक्शा बनकर आएगा। इसके साथ ही सेटलमेंट के बाद जमीनी रिवर्स का काम भी हो रहा है। शर्मा की समय अवधि में स्टोन ग्राउंड नेटवर्क बन जाएगा, जिससे डिजिटल भूमि सर्वे अभिलेख तैयार होगा। भरतपुर के डिग में पुलिस ने पनहोरी गाँव में महिला के सिर पर हथौड़े से वार कर लूटने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला ने भूड़ा गेट निवासी सोहन सिंह के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में कानपुर के सूरा गांव के पास सियालदा अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। इसके बाद ट्रेनों के शेड्यूल बिगड़ गया था, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए तो कई ट्रेनें लेट हो गई थी। नॉर्थ वेस्टर्न रेल की कई ट्रेनें 12 से 24 घंटे तक देरी से चल रही थी। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशान किया। करौली के चोटाभी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिभावकों की बैठक बुलाई गई। इससे पहले अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही मौजूद अभिभावकों को भी संबोधित किया। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में गिरदावर और पटवार संघ की नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन हुआ। गिरदावर संघ के अध्यक्ष पद का प्रेम सिंह परमार को चुना गया। करौली के नादोती में बैरवा मोहल्ले के निवासी पिछले 6 महीने से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। गुस्साए लोगों ने SDM कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के बाद SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेयजल समस्या के जल्द समाधान की मांग की गई। करौली के सपोटरा कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। वो लगातार वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में यही हाल देखे जा रहे हैं। कस्बे में नया साल मनाने आए श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ATM पर घंटों तक खड़े रहने के लिए लोग मजबूर। नागौर के डीडवाना में ट्रक ने अल्टो कार को टक्कर मार दी, जहां कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में जावदा पंचायत में RSS की ओर से पथ संचलन निकाला गया, जिसमें विधायक सुरेश भाकड़ ने भी भाग लिया। जोधपुर के तिवरी पंचायत समिति में भाजपा के नवनियुक्त देहात जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह बड़ला सर्किट हाउस जोधपुर कार्यकर्ताओं की वाहन रैली के साथ तिवरी पहुंचे। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति में पाली लोकसभा युवा कांग्रेस सचिव पूर्ण सिंह कुंपावत ने जोधपुर आए, जहां कांग्रेस हिंडौली विधायक युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना से मिलकर युवा कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी।
वहीं चांदना ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कहा कि वो अब इस चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। जोधपुर के तिवरी, मथानिया, ओसिया, लोहावट, फलौदी, बालेसर, बेचू आदि कृषि क्षेत्रों के दर्जनों गांव में अधिकांश किसान लहसुन की पैदावार लेते हैं और अक्टूबर नवंबर में बोई गई इस फसल की पैदावार फरवरी मार्च में आती है। वह इसके अनुसार सर्दी बढ़ने से लहसुन की डिमांड बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप भी भाव में तेजी होना माना जा रहा है। ब्रोकर संजय परिहार ने बताया कि भदवासिया सहित जिले की अन्य मंडियां हो या पड़ोसी राज्य की मंडी, सभी जगह लहसुन की पैदावार भरपूर है। सीकर के लोसल में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक बुलाने की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के नाम पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा। पिछली बैठक को 122 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाई गई। नियमानुसार 60 दिवस के अंदर बैठक बुलाने का प्रावधान है। पूर्व में लिए प्रस्तावों में कस्बे में हो रहे अवैध निर्माण तथा विकास कार्यों पर चर्चा करने के एजेंडों को शामिल करने की मांग रखी गई है। बारह के अंता में स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार नगर पालिका अंता में स्थित मकान, होटल और दुकानों का सर्वे कर उन पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बारा के छपड़ा में कस्बे में इन दिनों पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते नाबालिग सड़कों पर तेज गति से मोटरसाइकिल को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये नाबालिग इन मोटरसाइकिलों से स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को भी अंजाम दिया करते हैं। बूंदी के नैनवा में नगर पालिका जिले को पॉलिथीन मुक्त करवाकर नववर्ष का तोहफा देगी। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक यहाँ पॉलिथीन अभियान चलाया जाएगा। अलवर के बैरोड में श्रम और नियोजन मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह निमराना आए, जहां मंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र के मांडोली नगर कस्बे में गुरुदेव क्षेत्र चिकित्सालय में निजी संस्था द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन का शिविर आयोजित किया गया। जालौर के चितलवाना क्षेत्र में पुलिस की लचर कार्य प्रणाली के चलते पानी पकौड़ी रंगरोगन के कार्य करने वाली बाहरी राज्य के युवक प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से घूम रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में गैस से लगी आग से छात्रा की मौत के मामले में ग्रामीणों ने करीब 70,000 रुपए का सहयोग परिवार को दिया। झुंझुनू के खेतड़ी में लापरवाह खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर खेतड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने एडीएम से मुलाकात की और मामले को पुलिस पर दबाने का भी आरोप लगाया। और फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट फर्स्ट इंडिया न्यूज.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।